नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी, और सबसे पहले बात करेंगे गिरिडीह की, जहां गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। ये चिंतन शिविर 22 फरवरी तक चलेगा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के गिरिडीह जाने के दौरान बुंजू के फुसरो में रुके, जहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अविनाश पांडे ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष मंथन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने, सरकार और पार्टी के बीच सही तालमेल समेत कई मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो फुसरो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अविनाश पांडे वहां पर आज चिंतन शिविर करेंगे, और गिरिडीह में 22 फरवरी तक ये कांग्रेस की चिंतन शिविर चलेगी। गिरिडीह जाने के दौरान फुसरो में अविनाश पांडे रुके, जहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बुंदू की तस्वीर, जब अविनाश पांडे वहां पर पहुंचे थे तो किस तरह से गर्मजोशी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। चिंतन शिविर में वो भाग लेने के लिए गिरिडीह में जाएंगे और वहां पर वो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे, नेताओं को प्रोत्साहित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाली है, उसमें किस तरह से पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी, चुनाव लड़ेगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये चिंतन शिविर 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अविनाश पांडे गिरिडीह में शामिल होंगे। वहां पर कई बड़े नेताओं के पहुंचने के भी अनुमान है। तो गिरिडीह जाने के दौरान जब अविनाश पांडे फुसरो में रुके तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। संदीप, चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे उसमें शामिल होंगे, क्या कुछ टिप्स देंगे और कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे इस चिंतन शिविर में? जी, कांग्रेस का चिंतन शिविर पारसनाथ में आयोजित की गई है और इसका विधिवत उद्घाटन कर सकते हैं जो कांग्रेस प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनके द्वारा कर दिया गया है। और 12 बजे के बाद कर सकते हैं इसका उद्घाटन हुआ है। हालांकि राहुल गांधी भी 2 बजे वर्चुअल तरीके से इस चिंतन शिविर में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनका भी मार्गदर्शन कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको मिलेगा। यदि इस चिंतन शिविर की बात करें तो लगभग जो सारे शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस के, वे मौजूद हैं। कांग्रेस कोटे से जितने कोई मंत्री हैं, चाहे बादल पत्रलेख की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, मंत्री आलमगीर की बात करें, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और लगभग 150 लोग इस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं, जो 3 दिनों तक इस चिंतन शिविर जो चलने वाला है उसमें सम्मिलित होंगे। हालांकि 2 बजे के लगभग आज राहुल गांधी अपने विचारों को जो वर्चुअल तरीके से है इनके साथ रखेंगे, और देखना होगा कि किस तरह से पार्टी आगे की जो कार्य योजना है वह बनाती है। हालांकि जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसको बनाया जाए या धरातल तक आम लोगों तक कैसे उन योजनाओं का लाभ मिले, इन सब चीजों पे भी मंथन होना है। तो देखना है कि इस 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर है इसमें और कौन कौन से बातें निकल के आती है। हालांकि अविनाश पांडे के झारखंड प्रभारी बनने के बाद कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में पार्टी में गति देखने को मिली है। बिल्कुल संदीप, सही कहा आपने कि गति देखने को मिली है और लगातार बैठक भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं? 3 दिवसीय चलेगा ये, और लोकसभा चुनाव जिस तरह से 2024 में होना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। जिस चिंतन शिविर की बात करें तो जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं वे इस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और कई थोड़ी देर पहले ही इस चिंतन शिविर की शुरुआत कर सकते हैं उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया है। और 3 दिनों तक यहाँ पर मंथन जारी रहेगा कि कैसे और पार्टी को और मजबूती प्रदान की जाए झारखंड में या सरकार में, जिस तरह से कांग्रेस भी गठबंधन की सरकार में शामिल है
तो सरकार के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर जो योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ के लोगों को दिया जाए, उन सभी चीजों पर भी मंथन होगी। हालांकि राहुल गांधी भी अपने विचार जो है वर्चुअल तरीके से रखेंगे और 2 बजे से राहुल गांधी के जो विचार हैं वे इस चिंतन मंथन जो शिविर है उसमें शामिल होकर लोग भी उनके जो विचार हैं उनको सुनेंगे। हालांकि जो शीर्ष के नेता हैं वे भी इस शिविर में शामिल हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं लगभग 150 लोग इस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं और 3 दिनों तक कह सकते हैं यहाँ पे इन चीजों पर मंथन होगी। जी चलिए, और हम आपसे संदीप पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। मंथन होगी, पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए इस पर चर्चा होगी, और लगातार अविनाश पांडे एक्टिव दिख रहे हैं। पार्टी कांग्रेस को कहीं ना कहीं गति मिली है झारखंड में, और इसी गति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी।